हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 24 जून को अमावस्या पड़ रही है, इसके साथ ही इस दिन शनिवार भी है। इस अमावस्या को शनि अमावस्या भी कहते हैं। अगर इस दिन हम कोई उपाय करते हैं तो उसका हमें दोगुना फल मिलता है और वह उपाय अचूक माना जाता है। इसलिए आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, काली इलायची का उपाय। अगर आपने 24 जून शनिवार के दिन काली इलायची का उपाय कर लिया तो आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। काली इलायची सामान्य इलायची से थोड़ी बड़ी होती है। आप काली इलायची को अमावस्या अर्थात शनिवार के एक दिन पहले खरीद के ले आएं और 5 काली इलायची को काले कपड़े में बांधकर अपने पूजा वाले स्थान पर रख दीजिए और आप भगवान शनि महाराज से और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि मेरे सारे काम बन जाएं। और इसके साथ ही आप ओम हनुमते नमः और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का लगातार 11 बार जाप करें और इसके बाद आप काली इलायची पर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क दें। अब आप काला धागा लें और काले कपड़े के अंदर काली इलायची और सिंदूर को रख के काले धागे के मदद से इसे एक पोटली बना लें। उस पोटली को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां या दृष्टियां नहीं पड़ती हैं। इसके साथ ही शनि देव भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। यह एक अचूक उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आप अगले अमावस्या को इस काली इलायची की पोटली को दरवाजे से हटाकर अपने तिजोरी में रख दें और शनि महाराज से प्रार्थना करें तो ऐसा करने से आपके घर में मां महालक्ष्मी का वास होगा और मां लक्ष्मी कभी आपके घर से नहीं जाएंगी। आप इस उपाय को 24 जून अमावस्या को जो शनिवार को पड़ रहा है जरूर करें और अपने घर की सारी कलेश और आर्थिक तंगी को दूर करें। दोस्तों, अगर आप 24 जून को अमावस्या के दिन आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।